सो हाई असलम एवरी वन वेलकम टू माई अनदर यूट्यूब वीडियो एंड वेलकम और वेलकम माई यूट्यूब चैनल द ब्यूटी बॉक्स सो आई होप आई यू डूइंग वेल सो टूडेज़ वीडियो इज़ वेरी 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 स्पेशल फॉर ऑल टीन एजर्स गर्ल्स नॉट ऑन टीन एजर्स सारी ही गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है जी हेयर ग्रोथ के ऊपर एंड आई नो यार जहाँ हेयर ग्रोथ की बात आती है ना सारी ही गर्ल्स बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाती हैं क्योंकि लंबे बाल सारे ही लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं बहुत कम लड़कियाँ होती हैं जिन्हें लंबे बाल अच्छे नहीं लगते हैं मीन्स शॉर्ट हेयर ज़्यादा अच्छे लगते हैं बट 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 पर्सनली मुझे लंबे बाल बहुत ज़्यादा पसंद हैं एंड अपने बालों को लंबा करने के लिए मैंने ये वाला ऑयल चूज़ किया एंड मैं इसको यूज़ कर रही थी काफ़ी टाइम से सो जब मैंने इसको यूज़ कर लिया मुझे इसके बेहतरीन वाले उससे भी ज़्यादा कोई ऊपर वाले जब रिजल्ट्स मिले हैं ना तो सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर दूँ बिकॉज यार आई नो वेदर चेंज हो गया है एंड वेदर चेंज होने की वजह से हमारे से बाल ही नहीं हमारी स्किन मतलब हम पूरे ना पूरे डैमेज हो गए हैं मतलब पूरा हाल हो गया है गर्मी की वजह से एंड स्किन एंड बालों का तो कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल हो गया, हो गया है बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं सो जल्दी से ना अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड इस बॉटल के बारे में बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं जी इसकी पैकेजिंग के बारे में सो so कुछ इस तरह की जी इसकी बॉटल है एंड बहुत खूबसूरत सी है मतलब ग्रीन कलर की है एंड देन देन इसके ऊपर लिखा हुआ है जी मेक्स योर हेयर लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड डार्क एंड 500 हंड्रेड की ये बॉटल है सो so जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं मीन्स इसके रिव्यू को स्टार्ट करते हैं अच्छा बाय द वे सबसे पहले इस ऑयल का नाम है जी डाबर आमला हेयर ऑयल एंड यार मैं इस ऑयल को ना अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ इससे पहले मैंने बहुत से ऑयल यूज़ करे हैं बट ये वाला ऑयल मैंने कभी भी यूज़ नहीं करा है ये मेरा फर्स्ट ऑयल था जो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ मतलब फ़र्स्ट टाइम मैंने इसको यूज़ करा है एंड इसके जो रिजल्ट्स मिले हैं ना मुझे मैं आप सब के साथ वीडियो में शेयर करूंगी सबसे पहले हम बात करते हैं जी कि ये हमारे हेयर्स पे मतलब किस तरह का वर्क करते हैं एंड किस किस चीज़ पे वर्क करते हैं सो so, सबसे पहले इनकी कंपनी ये क्लेम करती है कि ये हमारे हेयर्स को स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग करती है एंड डार्क करती है एंड यार टू बी वेरी ऑनेस्ट डार्क का मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकती आई एम सो 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 सॉरी क्योंकि यार यू नो टीन में कोई बाल इतने ज़्यादा वाइट तो होते नहीं एंड पर्सनली मैं ज़्यादा ना केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती अपने हेयर्स में तो मेरे हेयर्स भी वाइट नहीं है मीनस थोड़े बहुत भी नहीं है तो मैं आपको बिल्कुल भी इस बारे में नहीं बता सकती लेकिन हाँ स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग का मैं आपको जरूर बता सकती हूँ मैं इस ऑयल को जब से यूज़ कर रही हूँ उसके बाद से मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं एंड यू नो गर्ल्स जब से हेयर्स हुए ना जब से ये ऑयल मेरा फेवरेट हो गया है क्योंकि प्रीवियस टू थ्री मंथ्स है ना मतलब जब से मैं ये ऑयल यूज़ कर रही हूँ उससे पहले दो महीने लगातार मेरा बहुत एक्सट्रीम वाला हेयर लॉस हुआ है आई डोंट नो वाई शायद वेदर की चेंजिंग थी इस वजह से एंड जब मैंने देखा हेयर लॉस बहुत बुरा वाला एक्सट्रीम वाला हो रहा है मतलब बाल बिल्कुल ख़त्म की तरफ हो रहे हैं तो मैंने अपने लिए ये वाला हेयर ऑयल चूज़ किया एंड सीरियसली मैं समझती हूँ ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था जो मैंने ये वाला ऑयल चूज़ किया वरना पता नहीं आज मैं बिल्कुल गंजी हो चुकी होती मतलब बिल्कुल भी बाल नहीं होते मेरे सर पे बट 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 अच्छे वक्त पे अच्छे वक्त पे मैंने ये वाला ऑयल चूज़ किया इसको यूज़ किया एंड यार मुझे इसके इतने ज़्यादा अच्छे वाले रिजल्ट्स मिले ना सीरियसली मैं अपने आई कंट एक्सप्लेन माई वर्क बिकॉज यू आर सीरियसली टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग बहुत ज़्यादा अमेजिंग ऑयल है ये हेयर ग्रोथ के लिए भी एंड हेयर स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी सो so, यहाँ पर ना मैं ये बॉर्डर आपको ना ओपन भी करके दिखा देती हूँ एंड देन मैं आपको ना आगे इसे ना किसी बोल में ना पोल भी करके दिखा देती हूँ कि ये किस तरह का दिखता है एंड एज यू गाइस कैन सी ये कुछ इस तरह का दिखता है एंड इससे बिल्कुल ऐसी वाइब आती है जैसे कोई शरबत बिल्कुल एग्जैक्टली उसके जैसा कलर है एंड यार आजकल ना मैं इसका शैम्पू भी ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसका ऑयल इतना अच्छा वर्क कर रहा है मेरे बालों में तो सोचा यार कि इसका शैम्पू भी क्या so आज क्या ट्राई कर लूँ सो आजकल मैं इसका शैम्पू ट्राई कर रही हूँ मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है बट जब मैं उसको अच्छे से यूज़ कर लूँगी करूँगी सारे अच्छे से मतलब जैसे भी रिजल्ट मुझे उसके मिलेंगे उसके बाद मैं आपके साथ एक ऑनर सा रिव्यू उसका भी शेयर करूँगी फ़िलहाल अब बात करते हैं जी इसके रिव्यू की मैंने आपको ये तो बता दिया कि इसने मेरे हेयर्स को स्ट्रॉन्ग करा है ओके 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 सो सेकंड अब बात करते हैं जी हेयर ग्रोथ के बारे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड इसने मेरी हेयर ग्रोथ के ऊपर बिल्कुल ब्लास्टिंग वर्क करा है यार सीरियसली धमाकेदार आई कॉन्ट एक्सप्लेन यू कि इसको यूज़ करने के बाद इस ऑयल को यूज़ करने के बाद मेरी हेयर लेंथ कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है एंड मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ सो so, यार इस ऑयल को यूज़ करो सच में बहुत 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 बेहतरीन ऑयल है बहुत से ऑयल ऐसे होते हैं जिसमें थोड़े बहुत केमिकल्स एड होते हैं बट यार ये बिल्कुल नेचुरल है एंड आप आपके बालों को बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि उल्टे आपको फायदे ही फायदे पहुंचाएगा मतलब हेयर ग्रोथ भी करेगा एंड स्ट्रॉन्ग करेगा एंड इस ऑयल एं को यूज करने के बाद बहुत ज्यादा सिल्की स्मूथ हो जाते हैं एंड मैं वीक में थ्री टाइम शैम्पू करती हूँ एंड मुझे जब भी पता होता है ना कि यार मुझे शैम्पू करना है तो उससे पहले कोई टू आवर्स पहले मैं ये ऑयल अप्लाई कर लेती हूँ एंड देन फिर शावर लेती हूँ अपने हेयर्स को वॉश करती हूँ ताकि मेरे हेयर्स बिल्कुल सिल्की स्मूथ हो जाए एंड दैन यार आप ट्राई करो कि आप जब भी ये ऑयल यूज़ करो तो आप इसके बाद ना कोई माइल्ड से शैम्पू से ही अपने हेयर्स को वॉश करो या तो आप इसका ही शैम्पू ट्राई कर लो या फिर आप मैकलिन लंदन शैम्पू ट्राई कर लो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है सल्फ़ेट फ्री है एंड बहुत ज़्यादा केमिकल्स उसके अंदर ऐड नहीं हैं तो वो हमारे बालों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाता है बल्कि हमारे हेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं एंड वो बाईकॉट फ्री है सो जल्दी से ना इस ऑयल के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं इसकी प्राइस है जी सिक्स हंड्रेड रुपीज़ सो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है मीन्स टीन एजस्ट, आराम से पॉकेट मनी से बाय कर सकते हैं एंड हेयर ऑयल को यूज़ करने के साथ साथ ना आपको दो तीन काम जरूर करने चाहिए मतलब वो दो काम तो बहुत ज़्यादा मस्ट है और वो ये है कि यार आप जब तक वो दो काम नहीं करोगे ना सीरियसली आप जितने भी एक्सपेंसिव और अच्छे ऑयल यूज़ कर लो कोई फ़ायदा नहीं है पहला ये है कि आपको ना पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है पानी का इनटेक अपना अच्छा रखें वैसे ही गर्मी है फ़ोर्टीन टू फिफ्टीन ग्लासेस पानी ज़रूर पिएं एंड उसके साथ अपनी डाइट अच्छी रखें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का ज़्यादा इनटेक रखें ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा यूज़ करें मतलब ज़्यादा खाएँ एंड फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लें एंड उसके साथ साथ ना एक्सरसाइज करें और अगर एक्सरसाइज नहीं होती ना तो योगा तो लाजमी करें बहुत ज़्यादा अच्छा हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी इंटरनल और एक्सटर्नल हेल्थ के लिए भी सो so, जल्दी से ना इन सारी टिप्स को फॉलो करो एंड अपनी हेयर ग्रोथ भी करो एंड अपने हेयर्स को स्ट्रॉन्ग भी करो लॉन्ग भी करो सो या फाइनली ये थी मेरी आज की वीडियो सो so, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना सी यू इन अनदर वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टेक केयर एंड बाय